सिंह धामी पहुंचे काशीपुर, 137 करोड़ की योजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण, कहा बीजेपी ने विकास के कई आयाम स्थापित किए। भाजपुर में यशपाल आर्य पर हुए हमले के बाद गरमाई सियासत, हल्द्वानी पहुंचे हरीश रावत और गणेश गौदियाल, बीजेपी पर साधा निशाना। हरिद्वार के राजा गार्डन के लोगों ने विधायक आदेश चौहान का किया विरोध, कॉलोनी में विकास कार्य न कराने से नाराज लोग, आदेश चौहान हटाओ रानीपुर बचाओ के लगाए नारे। पौड़ी जिले के चाकीसैंण में कालिंका मंदिर में आज भव्य पूजा अर्चना के साथ मेले का हुआ आयोजन, मंदिर में 2014 से पहले भारी पशु बलि दी जाती थी। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में, आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। अपना उत्तराखंड में खबरों का रुख कर लेते हैं। सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का काशीपुर दौरा कई मायनों में काफी खास रहा। मुख्यमंत्री ने वहां पर 137 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण किया, साथ ही काशीपुर शहर की लंबे समय से चली आ रही जल समस्याओं का शीघ्र ही निस्तारण करने के दावे भी किए। सीएम धामी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने कई बड़ी योजनाओं को शुरू कर विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। केंद्र सरकार द्वारा लगातार ही उत्तराखंड को विशेष सहयोग मिला है, जिसके चलते कई बड़ी योजनाओं के लिए केंद्र से स्वीकृति भी मिल चुकी है। आज मुख्य सेवक के रूप में काशीपुर के इस ऐतिहासिक क्षेत्र में आकर, जहां एक ओर मैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं, रहा है, वहीं दूसरी ओर आप सबका प्रेम देखकर मैं भाव विभोर हूं, क्योंकि मैं यहां की पहले की भी जनसभाओं में आया हूं, लगातार मैंने आपके बीच में आया हूं, इसलिए मैं आप सबका बहुत आशीष प्राप्त है। वहीं इस महान भूमि को भगवान मोटेश्वर महादेव का भी आशीर्वाद मिला हुआ है। भाजपुर में पूर्व कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता यशपाल आर्य के काफिले पर हुए हमले के विरोध स्वरूप लालकुआ पहुंचे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड शासन को प्रेषित ज्ञापन कोतवाल संजय कुमार को सौंपा। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उक्त प्रकरण में शासन प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की और दोषियों को गिरफ्तार कर आवश्यक कार्रवाई करने की मांग करते हुए कहा कि यदि ऐसा नहीं होता है तो कांग्रेस पार्टी उग्र आंदोलन करने को बाध्य होगी। कांग्रेसियों ने कहा कि वर्तमान समय में जब विधायक और मंत्री पद पर विराजमान सम्मानित जनप्रतिनिधियों पर ही खुलेआम हमले हो रहे हैं, तो आम आदमी कैसे सुरक्षित रह सकता है। ऐसे में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तत्काल दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। प्रदेश अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री वर्तमान और संजीव आर्य पर भाजपुर में जो एक जानलेवा हमला किया गया, सबसे पहले बहुत बड़ा आघात है लोकतांत्रिक व्यवस्था पर, पुलिस व्यवस्था पर। जब इतना बड़ा मंत्री और विधायक सुरक्षित नहीं है, आम आदमी अपनी सुरक्षा कैसे करेगा। हमारी ये मांग है कि दोषियों की जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी हो, बिना किसी दबाव की गिरफ्तारी होनी चाहिए। उसके लिए इतना ज्ञापन और देने की पहले तो जरूरत नहीं होनी चाहिए थी। जिनने गलती की है उनको गिरफ्तार होना चाहिए था। अगर किसी कारणवश उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो प्रदेश कांग्रेस जो भी हमको आज्ञा देगी, जो भी हमसे कहेगी, हम इसके लिए उग्र आंदोलन करने को तैयार हैं। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि कल जिला उधम सिंह नगर में पार्टी का एक कार्यक्रम था, जिसमें कई भाजपा के लोगों की ज्वाइनिंग भी थी, तो उस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए हमारे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष यशपाल आर्या जी और उनके पूर्व विधायक श्री संजीव आर्या जी उसमें प्रतिभाग करने जा रहे थे। लेकिन भाजपुर के सड़कों पर जो पहले से ही घात लगा कर बैठे कुछ लोग, जिन्होंने माननीय यशपाल आर्या जी पर और संजीव आर्या पर जो हमला किया और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया, और कल उस हमले में दोनों पिता और पुत्र बचे हैं। भाई, जिस प्रकार से कल हमारे पूर्व में दो बार प्रदेश अध्यक्ष रह चुके और कैबिनेट मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष रह चुके पूर्व में श्री यशपाल आर्य जी और उनके पुत्र नैनीताल से विधायक श्री संजीव आर्य जी पे कुछ असामाजिक तत्वों ने भाजपुर में प्राणघातक हमला जो उनके ऊपर करने की कोशिश करी, उसमें कांग्रेस के बहुत से कार्यकर्ता भी चोटिल हुए। वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य पर जानलेवा हमले का मास्टरमाइंड कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे के ऊपर आरोप लगाते हुए गदरपुर के कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नसीर अली के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे का पुतला दहन किया। यशपाल आर्य पर हुए हमले को लेकर कांग्रेस में काफी आक्रोश देखने के लिए मिल रहा है। वहीं सितारगंज के मुख्य चौक पर भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन किया। आपको बता दें कि बीजेपी से कांग्रेस में वापसी करने वाले पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य और के बेटे संजीव
अनिवार्य पर बाजपुर में कुछ लोगों ने हमला कर दिया था, जिसके विरोध में सितारगंज के मुख्य चौक पर पुतला फूंका गया। वहीं उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी फकीर सिंह कर्नल ने बताया कि पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य अपने बेटे के साथ अपने विधानसभा बाजपुर का दौरा करने पहुंचे थे। बीजेपी के कुछ गुंडों द्वारा उन पर हमला करने की कोशिश की गई और उनकी गाड़ी के शीशे तोड़ने की कोशिश की गई। तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये गदरपुर की और सितारगंज की, जहां पर यशपाल आर्य पर हुए हमले के बाद आक्रोश कांग्रेस कार्यकर्ताओं में देखा जा रहा है। गदरपुर में भी पुतला फूंका गया तो दूसरी तरफ सितारगंज में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए पुतला दहन किया। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व कैबिनेट मंत्री माननीय यशपाल जी के ऊपर कल एक कातिलाना हमला हुआ है। हमारे नैनीताल के पूर्व विधायक संजीव आर्य जी को पर एक कातिलाना हमला हुआ है, जिसमें भाजपा से जुड़े लोगों के नाम आ रहे हैं। ये हमला का ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पुरजोर विरोध करती है और 2022 में जिस तरीके से चुनाव सर पर खड़ा है, अपनी हार नज़दीक देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री अपना विवेक खो चुके हैं। बीजेपी सरकार की जो जन विरोधी जो नीतियाँ हैं उसका पर्दाफाश करने के लिए, और कल जो हमारे माननीय मंत्री जी यशपाल आर्य जी और संजीव आर्य जी पे जो जानलेवा हमला हुआ है उसके विरोध में ये पुतला फूंका गया है। और प्रशासन की जो लापरवाही है, जो कुछ कदम पे ही ये हमला हुआ है, और थाने बाजपुर थाने में पुलिस का कोई भी कर्मचारी मौजूद नहीं था। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष यशपाल आर्य जी, जो कि हमारे उत्तराखंड की विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, बड़े बड़े पदों में हमारे मंत्री के पदों में आसीन रहे, उनका योगदान इस उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा है। उन्होंने जो उत्तराखंड बनाने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है, हमारे उत्तराखंड को संवारने और सजाने में बहुत बड़ा काम किया है। उनकी कुर्बानी को आज हमारे गुंडे सरकार के लोग अटैक कर रहे हैं। सरकारी मंत्री रहे हैं, बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, लेकिन उस व्यक्ति पर, कुछ लोगों के इशारे पे कल हमला हुआ है। यशपाल आर्य जी की गाड़ी जा रही थी और उन पर भाजपा के नेताओं ने और कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए और झंडे से उनको पीटा गया। ये कहाँ का नियम है कि कोई जा रहा है मारो, तो ये एक तानाशाही सरकार है। तानाशाही सरकार को हटाना होगा, इनकी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। ऐसी किसी मंत्री और विधायक को ऐसे किसी रस्ते से मारना ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे उत्तराखंड की देवभूमि में ऐसी गुंडागर्दी हमें नहीं चाहिए। जिन्होंने उन पर ऐसे आपराधिक मामले किए, जिन्होंने अपराध किया, जिन्होंने उनकी गाड़ी गंडे मारे, उनको तुरंत बंद किया जाए। बाजपुर में एक कांग्रेस नेता यशपाल आर्य और उनके बेटे संजीव आर्य पर हुए हमले के बाद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गौतियाल हल्द्वानी पहुंचे। दोनों ही नेताओं ने यशपाल आर्य और संजीव आर्य का हालचाल जाना। इस दौरान हरीश रावत ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राजनीति में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। हमला कांग्रेस नेता यशपाल आर्य पर नहीं बल्कि हमारी परंपरा और संस्कृति सभ्यता पर हुआ है। तो लगातार आपको बता दें कि यशपाल पर हमले को लेकर सियासत भी खूब की जा रही है और ऐसे में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोरदार विरोध भी इसको लेकर देखा जा रहा है, जिसके चलते हरीश रावत और गणेश गौतियाल हल्द्वानी पहुंचे और यशपाल आर्य के घर पर जाकर उनके बेटे का हालचाल उन्होंने जाना। राजनीतिक जीवन में हिंसा का, पहले हिंसा का कहीं कोई स्थान नहीं है और आप जो है गुंडागर्दी के बल पर किसी के राजनीतिक मूवमेंट को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और ये यशपाल आर्य जी पर हमला नहीं है, ये हमारी परंपराओं पर, हमारी शालीनता पर, हमारी सभ्यता पर, और सबसे बड़ी बात यह है कि गांधी के सहिष्णुता के सिद्धांत पर हमला है। आप राजनीतिक रूप से किसी से असहमत हो सकते हैं लेकिन उसको मारने का प्रयास थोड़ी कर सकते हैं। तो ये निंदनीय घटना है। हम यशपाल जी के पास इसीलिए आए हैं कि ज़रा उनका कुशल सिंह पूछें और ऐसे तत्वों को ये जाए कि पूरी कांग्रेस पार्टी नहीं, पूरा समाज ऐसी चीज़ों के खिलाफ है। बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं इसको इस रूप में देखता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी का उत्तराखंड आना और उसी दिन एक बहुत ही सीनियर नेता उत्तराखंड के निर्माण में, उत्तराखंड को आगे बढ़ाने में जिनका महत्वपूर्ण योगदान है और ख़ास करके दलित वर्ग के नेता हैं, और उन पर इस प्रकार का अत्याचार, इस प्रकार का हमला, ये भारतीय जनता पार्टी की सोच को दर्शाता है। भला ये पूरी प्री प्लान था, सुनियोजित षड्यंत्र था
और इसमें पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री को आरोप लगाना चाहूँगा। आरोप नहीं है, सच है कि उन्होंने उनके इशारे पर और प्रदेश के मंत्री अरविंद पांडे के इशारे पर और जो कांग्रेस का जो एक नेता है जो किसान नेता कहता है कि उसका आजकल उसका ये कुलविंदर सिकिंदा उसका शागिर्द बना हुआ है। बाजपुर में यशपाल आर्य के काफिले पर हुए हमले की आग हल्द्वानी के गोलापार भी पहुंच चुकी है। दरअसल यहां पूर्व ग्राम प्रधान और निर्दलीय विधायक प्रत्याशी यशपाल आर्य ने पूर्व कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता यशपाल आर्य के काफिले पर हुए हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि शासन प्रशासन को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए और तत्काल ही असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। मानवाधिकार का उल्लंघन भी है और ऐसा मानसिकता को दर्शाता है कि खास तौर से हो सकता है कि किसी विशेष समुदाय को टारगेट करने का एक मन भी हो सकता है, लेकिन फिर भी दोनों लोग जबकि एक भाई भाई के रूप में हैं, यशपाल जी भी, संजीव जी भी और उनके किंदा भी, सब एक साथ के लोग हैं, रात दिन उठने बैठने वाले लोग हैं। आज अचानक से माहौल बिगड़ जाने से उत्तराखंड में एक लड़ाई झगड़े का एक माहौल जो बाजपुर से कि तैयारी टाइप की हो रही है, इसको रोकने की प्रशासन से हम अपील करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से कहते हैं कि आप स्वयं इसको संज्ञान में लें और अनुसूचित जाति आयोग के पीसी गोरखा जी से भी कहते हैं कि वो भी इस मामले को संज्ञान में लें। सरोवर नगरी नैनीताल में भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विगत दिन बाजपुर में कांग्रेस नेता यशपाल आर्य और उनके बेटे संजीव आर्य पर कुछ लोगों द्वारा किए गए हमले को लेकर बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर पुतला दहन किया। आपको बता दें कि पुतले दहन के बाद कांग्रेस की पूर्व विधायक महिला प्रदेश अध्यक्ष सरिता आर्य, मंडल अध्यक्ष अनुपम कंडवाल, मंडल महामंत्री कैलाश अधिकारी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा। मंत्री और हमारे उनके सुपुत्र निवर्तमान विधायक नैनीताल श्री संजीव आर्या जी जो कि पार्टी के कार्यक्रम में बाजपुर में जा रहे थे, उन पर जिस तरह से कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा जानलेवा हमला किया गया है, उस हमले के बाद जब हम कांग्रेस जन थाने पे गए। जनपद के नारायण बगड़ के स्वास्थ्य विभाग के सभागार में एस लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के तत्वाधान में कंपनी के उन लोगों को सम्मानित किया गया जो कंपनी के आयुर्वेद की दवाओं को जन जन तक पहुंचाने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं और आम जन मानस को आयुर्वेदिक उपचार और औषधियों की जानकारी देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। आपको बता दें कंपनी के प्लेटिनम रैंक अचीवर अमरदीप नेगी, दिगपाल सिंह नेगी और गोल्ड रैंक अचीवर हरीश सिलोड़ी और के संयुक्त दिशा निर्देश में सभागार में आयोजित सेलिब्रेशन के अवसर पर उपस्थित लाभार्थियों को आयुर्वेदिक उपचार और औषधियों से कई प्रकार की बीमारियों के इलाज के बारे में जानकारी दी गई। इसके तहत नेटवर्किंग मार्केट में आयुर्वेद के क्षेत्र में काम पर रोजगार प्राप्त करने वाली दो महिलाएं लक्ष्मी नेकी को सिल्वर लेवल और जानकी देवी को ब्रॉन्ज लेवल पर पहुंचने पर सभी सदस्यों ने केक काट कर बधाइयां दी गई और उन्हें सम्मानित भी किया गया जिन्होंने विकट परिस्थितियों में भी लोगों को जागरूक करने का कार्य किया और कंपनी के द्वारा जो एक अचीवमेंट है ब्रॉन्ज लेवल से जो शुरुआत होती है, जानकी मैम के द्वारा वो ब्रॉन्ज लेवल बहुत कम समय में उसको पार किया गया, हमारी लक्ष्मी मैम के द्वारा सिल्वर लेवल को यहाँ पे पार किया गया। तो इनके जो हमारी आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं निश्चित तौर पर लोग इसके बारे में जान रहे हैं। धीरे धीरे हमारा एक मिशन है कि हम लोगों को स्वस्थ बनाएं। ये हमारी आयुर्वेदिक पद्धति पे जो है कंपनी काम कर रही है, लोगों के हेल्थ मिशन पे काम कर रही है, हेल्थ को लेके जागरूक हम लोगों को करा रहे हैं और कहीं ना कहीं इसमें बेरोजगारी से जुड़ी समस्याएं भी दूर हो रही हैं और बहुत ही शानदार जो हमारा पुरानी पद्धति है आयुर्वेद की। हरिद्वार के राजा गार्डन के निवासियों ने विधायक आदेश चौहान का जमकर विरोध किया। आपको बता दें स्थानीय लोगों ने विधायक पर आरोप लगाते हुए कहा कि विधायक को सिर्फ वोट लेने के समय ही हमारी याद आती है, इसके अलावा ना तो हमारी कॉलोनी में कोई विकास का काम हुआ है और ना ही कोई सुविधा उपलब्ध कराई गई है। लोगों ने विधायक चौहान हटाओ रानीपुर बचाओ के नारे लगाए और इस बीच विरोध प्रदर्शन में महिलाओं का भी गुस्सा देखने के लिए मिला। उनका कहना है कि यहां कोई बिजली पानी और नालियों की सफाई की कोई सुविधा नहीं है जिससे हम स्थानीय लोगों की और पार्टी के लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी पार्टी के लोगों की इस तरफ नजर नहीं जाती है।
हमारे यहाँ पर भाजपा से कोई विरोध नहीं है, क्योंकि इस यहाँ पर हरिद्वार क्षेत्र के अंदर और भी भाजपा के विधायक हैं जिनके कार्य बहुत अच्छे हो रहे हैं। पिछले 10 वर्षों से विधायक जी यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन यहाँ पर एक सड़क का भी निर्माण नहीं किया गया है। तो इस वजह से हम ये चाहते हैं कि हमारे विधायक जी का चेहरा यहाँ पर बदला जाए। बरसात में तो निकल ही नहीं पाते, बच्चे गिरते हैं, किसी के चोट लगती है, कुछ होता, बताओ। सड़क तो बनानी चाहिए ना, शिविर पानी ये सब तो होना ही चाहिए ना। बहुत परेशानी है इस चीज़ की। मैं तो खुद उनके घर तक भी गई हूँ, पर उन्होंने बस हाँ अभी बनेगी बस कह देते हैं, बाकी होता कुछ नहीं है। इतने साल हो रहे कहते। पौड़ी जिले के चाकीसैंग के अंतर्गत आने वाले प्रसिद्ध कालिंका मंदिर में आज भव्य पूजा अर्चना के साथ मेले का आयोजन किया गया है। ये मंदिर 2014 से ही पहले भारी पशु बलि के लिए विख्यात था, जहां पर मां कालिंका को हजारों की संख्या में पशु बलि चढ़ाई जाती थी। मगर 2014 के बाद से यहां पर बलि प्रथा को खत्म कर दिया गया। मेले को राठ क्षेत्र के प्रसिद्ध बुखाल काली माता के नाम से पूरे देश में जाना जाता है। आपको बता दें, कालिंका माता मंदिर आस्था विश्वास और श्रद्धा का एक बड़ा केंद्र सदियों से रहा है। मान्यता है कि माता कालिंका माता यहां बने कुंड में रहती हैं, और 2014 से पहले इस कुंड को पशुओं के रक्त से भरा जाता था, मगर समय के साथ मान्यताओं में भी बदलाव देखने को मिल रहा है और अब इस कुंड को रक्त की जगह नारियल के पानी से भर दिया जाता है। और सभी भक्तों की आस्था है कि आज के दिन जो भी माँ के दर्शन करने के लिए पहुंचता है वो सभी दुख कष्ट से मुक्त हो जाता है। का प्रतीक है और बुखाल कालिंका भगवती जगदम्बा बहुत प्रचाधारी देवी है, बहुत आस्था का प्रतीक है। तो बहुत अच्छा लगा और बहुत शानदार कार्यक्रम भी अच्छा हुआ। हम डॉक्टर धन सिंह रावत जी का धन्यवाद करते हैं, उन्होंने यहाँ पर कार्यक्रम करवाया। तो देखने को मिला कि कोरोना के बाद इतनी भीड़ देखने को मिली। हाँ बिल्कुल, पर बागी आते थे, जिसको बागी बोलते, भैंसा जिसको बोलते हैं, तो बफेलो यहाँ पे आता था और यहाँ पर उसकी बलि दी जाती थी, बकरों की बलि दी जाती थी। लेकिन कुछ सालों से ये यहाँ पे प्रथा बंद कर दी गई है और मैं ये मानता हूँ जो हुआ है सही हुआ है। बलि जो है, जानवर की बलि देना सही नहीं है। खासियत यह है कि जो हमारी कालिका माई है उनकी इतनी मानता है कि दूर दूर से लोग अभी पे देख रहे हो कि 10-15 सुबह 6 बजे से 5 बजे लोग लाइन में लगे हुए हैं और आज अभी हजारों लोग आ रहे हैं, मतलब 25-30-40 हज़ार लोग आते हैं। और ये इसकी आस्था ये है कि ये एक गांव यहाँ पे है, चोपड़ा गांव, उसमें एक बच्चे थे वो जो भूख वाले होते हैं, वो गाय चराने गए थे जंगल में। तो गाय चराने जाते हैं, उनका आपस में खेलने लगे, बच्चों से खेले आपस में और खेल खेल में छुपन छुपाई खेले, तो उन्होंने एक बच्ची लड़की को एक गड्ढे में दबा दिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।